अब मुझे लग रहा है कि स्विट्जरलैंड भी फेल है इसके आगे, इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। सीरियसली देखा जाए तो स्विट्जरलैंड आई थिंक कि अपने इंडिया के सामने कुछ नहीं होगा। फेस देखो ऐसा लगेगा कि आपको एक फेस है जो कि पहाड़ में उभरा हुआ है। हमारा मिचुका ही ऐसे है कि जितना भी फोटो खींचो जी नहीं भर लगे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है चौथा दिन मेरा मेचुका में। एक दिन से बारिश रुकी थी, वो भी उस दिन भी हो रही थी, बंद हो रही थी, तो ऐसा ही चल रहा है। सिर्फ मैं दार्जिलिंग घूम पाया हूँ, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं जा पाया हूँ। एक बार बाहर चलता हूँ और बाहर का जो नज़ारा है ना, एक बार मैं वो आपको दिखाता हूँ। एक मिनट जी, बहुत ही भयंकर वाला सीन हो रखा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं कुछ भी। और बारिश रुकने का तो नाम ले ही नहीं रही है बिल्कुल भी। लगातार बारिश हो रही है, लगातार। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे दोस्त, ऐसे कैसे निकला जाएगा। और कल मुझे किसी भी हर हाल में वापसी पासीघाट पहुंचना है, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं रुके हुए यहाँ पर भी, और काफ़ी लंबा ट्रिप भी हो चुका है। अगर आज इसी तरह बारिश दिन भर रहा तो आपको कल रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने दूर दिल्ली से आए हैं और आप बिना यहाँ का कुछ भी वीडियो पिक्चर किए बगैर आप नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इतना दूर आप फिर कब आना होगा नहीं होगा। हाँ वो भी है, लेकिन एक दिन के लिए आप यहाँ का पूरा ट्रिप को खत्म करके तो नहीं जा सकते। अभी आज तो फोर्थ डे है मेरा, और चार दिन में सिर्फ मैंने दार्जिलिंग देखा और थोड़ा सा मेचुका टाउन घूमा। मौसम आज इसी तरह रहेंगे तो आप गुरुद्वारा, उसका बाद में लालुंग, बहुत सुंदर सुंदर जगह है, आप उसको तो देखकर ही जाना पड़ेगा। और कल भी बारिश हुआ फिर? नहीं, आज और कल ऐसे तो नहीं होगा, कल शायद इससे थोड़ा हल्का हो। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश मेचुका। हाँ। बारिश जब आना शुरू होता है चप्पर फाड़ के आना शुरू, चप्पर फाड़ के भाई साहब, वो कम से कम चार महीना तक पूरा बारिश ही बारिश। तो भैया सीन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हम गए हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट फंस। तो देखते हैं जैसे भी होगा। और सबसे बड़ी बात ये है यार, मैं जिस रास्ते से आया था ना भाई साहब, ये सोचो उस रास्ते की क्या बैंड बजी होगी। उस टाइम ही इतना रास्ता ख़राब था, कीचड़ ही कीचड़ था, स्लश था, मतलब आधे आधे टायर मेरे डूब गए थे कई बार तो कीचड़ के अंदर, और एक दो बार फिसलते फिसलते भी बचा था मैं। तो उस टाइम ही इतनी मुश्किल हुई थी यहाँ पर आने में। तो अब क्या हाल होगा जब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। होप सो, फिंगर्स क्रॉस, कल मुझे निकलना है यहाँ से। और ओई जी और पापू भाई बोल रहे हैं कि कल एक दिन और रुको, पाँच दिन हो जाएंगे मुझे मेचुका में। तो देखते हैं यार क्या कैप्चर होगा क्या कैप्चर नहीं होगा। पूरी कोशिश है मेरी आपको मेचुका दिखाने की, लेकिन भाई इतने दिन एक जगह स्पेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। ये रख लेना बैग और ये रख लो बस। ओ गिर गया नीचे। हाँ बैग, हाँ बैग देख लेना, आगे रख ले तो ज्यादा बेटर है। ये बताओ कि कौन कौन जा रहा है हमारे साथ फटाफट। चार, और हम, मेरा मिसेस और मिसेस का दोस्त। ओके, ओई जी जा रहे हैं, पापू जी जा रहे हैं, और लेकी, और लेकी। ओके, तो रॉक एंड रोल करेंगे आज। वैसे बारिश रुक गई है तो मजा आने वाला है। जगह मालूम नहीं इसलिए हम लोग दिखा रहे हैं। एक्चुअली सही रहेगा ना कि भाई अगर मैं इधर उधर घूम गया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो यहाँ के रोड मेरे ख्याल से सीधे सीधे ही होंगे, तो सीधे सीधे नहीं है, बहुत घुमा फिर भी है, बहुत घुमा फिर भी है। चलो फटाफट निकलते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। ऊपर वाला थोड़ा सा मेहरबान हो गया, होप सो कि ऐसे ही रहे मौसम। जय माता दी। ओके, हाँ फाइनली चार दिन बाद ऑलमोस्ट बाहर निकल रहा हूँ अपनी बाइक को लेके। मुझे तो लग रहा था कि मौसम खुलेगा ही नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम खुल गया है तो निकल पड़ा हूँ मैं मेचुका को एक्सप्लोर करने के लिए। और आज हम जाने वाले हैं गुरुद्वारा पॉइंट है एक, और एक हनुमान फेस पॉइंट है कुछ। तो ये है मेन मार्केट यहाँ की, और ये रहा चौराहा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं वो है एयरपोर्ट। यहाँ से जाना है लमांग योरलुंग। कल गए थे दार्जिलिंग वाली साइड, आज हम इस वाली साइड जा रहे हैं। दीपक गुप्ता
एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर के यूट्यूबर जो दिल्ली से आए हैं मेचुका के ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन जब से डीजी बाई आए हैं तब से बारिश ही बारिश है, बहुत ज्यादा बारिश है। मेचुका की पहली ब्लॉगर कोई भी। चार दिन हो गए बारिश, लेकिन दीपक गुप्ता अपने ब्लॉग बनाने के लिए नहीं रुके हैं, बारिश के होते हुए भी अपने ब्लॉग बनाने के लिए निकले हैं। ये देखो ओईजी भी ब्लॉग करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो यार ये लोग बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। टोंग कोरला 3.700 किलोमीटर। ये क्या है टोंग खोंग? ये आएगा ये आएगा बाद में, पहले उधर चल। अच्छा ये पास है, क्या है ये, क्या है टोंग कोरला? जगह है ना? अच्छा जगह है, पहाड़ पे है। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ला 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 ला। बारिश में भीग तो गए हैं, अब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। देखो जी इस मंदिर पर मैं रुका था थोड़ी देर पहले और वेट किया था पापू भाई के आने का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही वाला मेन हनुमान कैंप व्यू पॉइंट है। तो यहीं से नज़र आता है जो हनुमान जी का फेस है, अभी बादलों के बीच में आ चुका है। एक मिनट मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, देख रहे हो वहाँ पर हो रहा, ये रहा जी। तो जो भी मेचुका आता है वो इस पॉइंट पर ज़रूर आता है। फेस देखो ऐसा लगेगा कि आपको एक फेस है जो कि पहाड़ में उभरा हुआ है, तो ऐसा लगेगा कि आपको कोई पहाड़ में से झांक रहा है। सी देखो अमेजिंग है ये भी। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर छोटे छोटे झरने भी निकले हुए हैं। सी चारों तरफ, ये रहा और इधर रहा हनुमान जी का फेस। बारिश बारिश बारिश। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहिब और यहाँ पर तपस्थान भी है ऊपर जाकर कहीं पर, लेकिन बारिश हो रही है तो शायद हम उस साइड ना जाए, लेकिन गुरुद्वारा ज़रूर जाएंगे। और गुरुद्वारा यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, 100-200 मीटर नीचे होगा। हाँ जी चलो फटाफट चलो, बाइक उधर पार्क कर दिए, रेनकोट मैंने पहन लिया है, तो फटाफट नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। भागो है सामने, ये पानी की आवाज आ रही है इधर। अच्छा नदी है, ओके। अच्छा ये गुरुद्वारा कितना दूर है, कितना किलोमीटर है पापू भाई? मेचुका से? नहीं मेचुका से, मेचुका से एक्चुअली 14-15 किलोमीटर है। मुझे लगा नहीं 14-15 है, जंगलों के बीच में बनाया हुआ पूरा। हाँ ये आपको तो ये डाकी दिया। ये लो जी पहला नजारा है गुरुद्वारा साहिब का। मेरी तो पैंट निकलने को हो रही है, बार बार नीचे हो जाती है। हाँ उठाना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो 24 घंटे लंगर चलता है, गुरु का लंगर। अभी बारिश हो रही है तब भी चल रहा है।
हो सामने का नज़ारा देखो, सामने से नदी बहती हुई आ रही है अपने फुल फ्लो में। टोंगकोरला 3.700 meters, यानी कि 3.7 किलोमीटर है यहाँ से, और ला मीन्स हाई माउंटेन पास, तो शायद एक हाई माउंटेन पास और हम करने वाले हैं। चलते हैं देखते हैं कि क्या जगह है टोंगकोरला। जहाँ नज़र जाती है वहाँ आपको खूबसूरती नज़र आती है। ये है मेचुका गाइस, मेचुका। पहाड़ कितनी दूर दूर हो गए हैं यहाँ से देखो, और पूरी की पूरी वैली खुली खुली नज़र आ रही है यहाँ से। हम पहुँच चुके हैं लालुंग विलेज, लाहलुंग लिखा हुआ है, LHALUNG। ओ माई गॉड, विलेज कितना सुंदर है ये। एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ के जो घरों में कलर करते हैं ना, अलग अलग कलर के घर आपको नज़र आएंगे, कॉटेजेस नज़र आएंगे, तो वो और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं पूरी वैली को। देख रहे हो, ओए ज़बरदस्त लग रहा है यार, कितना शानदार। क्या नाम है? तेंजिन? केंजिन? केंजिन। ये देखो यहाँ के बच्चे कितने शैतान हैं। शैतान है भाई? नहीं। हिंदी आता है? नहीं। सबको आता है हिंदी? हैं? उसको नहीं आता। अच्छा चलो, बाय 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 बाय, ठीक है फिर मिलेंगे, फिर दोबारा अरुणाचल आऊँगा तो। अच्छा आंटी बाय, मैं चुका। सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं आज। ये लो जी, हम पहुंच चुके हैं मिंगांग, MENGANG, मिंगांग। अरे बाप रे, ये तो पूरा जंगल आ गया बॉस। आ गए आ गए आ गए, कहीं तो आए हैं। रोड खत्म, आगे चाइना है? नहीं चाइना है, आगे में वॉर पॉइंट है। वॉर पॉइंट? हाँ, ये एरिया वॉर पॉइंट है, देखो ये बंकर भी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं उतर जाता हूँ थोड़ा सा। ऊपर जाना है हमें? ऊपर? अच्छा, ऊपर थोड़ा, बहुत अच्छा व्यू है ना। अच्छा वहाँ से व्यू अच्छा है। हो तो ये 1962 का वार पॉइंट है। तो चाइना कितना दूर है यहाँ से? चाइना तो सामने हो गया अभी, यहाँ से सामने। हाँ नहीं, बॉर्डर तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा वो पहाड़ है ना, देखो वाला पहाड़, वो पहाड़ को क्रॉस करने के बाद बॉर्डर ही बॉर्डर है, बॉर्डर है, चाइना है, चाइना बॉर्डर। एक्चुअली बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं, मोकोंग विलेज है ये, और चारों तरफ का नजारा कुछ ऐसा है। उधर देखो मोकोंग ना, नहीं नहीं मनगंग, मंगंग, मनगंग, मंगंग, वो तो पीछे था काफी शायद, नहीं नहीं मनगंग, मंगंग है, मनगंग। ओके, इधर एक हट बनी हुई है, यहाँ पर लोग कैंपिंग वगैरह भी करते हैं शायद, बॉनफायर कर रखा है यहाँ पर। और इधर से नज़ारा दिखाता हूँ एक बार में, हमारी मेचुका की व्लॉगर। और ये देखो, तो 1962 की वॉर में इंडियन आर्मी यहाँ पर से प्रोटेक्ट कर रही थी मेरे ख्याल से शायद। तो जगह बहुत सुंदर है ये, और यहाँ से ही पूरा का पूरा जो शहर है वो दिखता है। जस्ट मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट देखिए, ये रहा मेचुका शहर, सी। और यहाँ पर है एक गोम्पा बिल्कुल टॉप हिल पर। ये रिवर का नाम क्या है ये वाली? सियांग यरगपचू। ओके, तो इस रिवर का नाम है यरगपचू। फुल फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, आधा घंटा तो हो गया है ना।
Oh my God. Look at the view guys. पीछे का जो नज़ारा है ना बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। उधर है मेचू का टाउन और हमारे पापू भाई देखो फोटोग्राफर की तरह फुल लगे हुए हैं, मेहनत करवा रही हैं ये सारी। ओल्ड गोम्पा ताशी दिलिक लिखा हो, अरे बंद है क्या, खुल गया, ओके चलो अंदर चलते हैं, ऊपर से दिखाते हैं आपको कैसी है मोनेस्ट्री। ये थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पर हमने अपनी बाइक और कार पार्क कर दी है। अभी तो कोई भी टूरिस्ट नहीं है, सब खाली पड़ा हुआ है। ये आ गए मोनेस्ट्री के पास, तो इसको गोम्पा या फिर मोनेस्ट्री बोलते हैं लोग यहाँ के। ओके कहाँ लिखा है, ओके ये लिखा हुआ समतिन यांगछा मोनेस्ट्री। तो बेसिकली मोनेस्ट्री के गेट पे ताला लगा हुआ है तो अंदर जा नहीं सकते। चारों तरफ घूम घाम के आपको दिखा देते हैं कि मोनेस्ट्री कैसी है। चलो उस रास्ते से आए थे, इस वाले रास्ते से जा रहे हैं वापसी दूसरी साइड से। होप सो कि ये रास्ता बंद ना हो। यार जैसे ही स्टार्ट करते हैं ना बाइक चलाना वैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। दिल्ली से अभी तक का जो सफ़र रहा है दोस्तों वो बहुत ही शानदार और जानदार रहा है। एक से बढ़कर एक नज़ारे देखने को मिल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट सफ़रनामा में, और वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं और आपको भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी जब मैं दिल्ली से चला था तो मैंने अपनी इस डोमिनार Y400 की सर्विस वगैरह कराई थी और इसमें डलवाया था कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट 10W50 जो कि फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, और ये आता है 5-in-1 फार्मूला के साथ जो देता है मेरी बाइक को एक्सीलेंट एक्सेलरेशन, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन, इंजन को कूल रखता है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ हो जाती है और देता है एंड्यूरिंग परफॉर्मेंस। जी हाँ पूरे दिन राइड करता रहता हूँ मैं, देखो अब कैसे कैसे रास्तों से राइड कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। 2-2.5 साल से मैं कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मेरी जो बाइक है ये डोमिनार वाइट टाइगर ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। कहीं पर भी कोई हीटिंग इश्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ राइड रही है अभी तक मेचुका तक की। परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट ये इंजन ऑयल काफ़ी बेहतर है और मैं बिल्कुल एक बार ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार डालिए, आपको डिफरेंस साफ साफ पता चलेगा कि इंजन ऑयल कैसा है। ड्रोन उड़ाए क्या यहाँ पे, अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा तो लग रहा है। यहाँ पर तो मेरा मन कर रहा है कि काफ़ी देर बैठ जाऊँ, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। अब मुझे लग रहा है कि स्विट्ज़रलैंड भी फेल है इसके आगे। दिस इज़ अल्टीमेट मैन, दिस इज़ अल्टीमेट, देख रहे हो? ओ हो, लवली लैंडस्केप। ये देखो घरों की बनावट, देखो घर कितने ब्यूटीफुल बने हुए हैं और छोटे छोटे जो गांव पड़ रहे हैं, खेती हो रखी है चारों तरफ, और मैं अकेला यहाँ पर घूम रहा हूँ इस टाइम, तो वो भी आगे जा चुके हैं। सी यहाँ पर बच्चे कितने खुश होंगे हमें देख कर। हेलो बाय। कश्मीर वश्मीर सब फेल है इसके आगे,
वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई सीरियसली बता रहा हूँ, अभी तक मैंने जितना कश्मीर देखा है ना, वैसे तो मैंने बहुत ही कम देखा होगा, लेकिन बाई रोड जितना भी देखा है भाई, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसी ग्रीनरी, ऐसी सीनरी ना, नेक्स्ट लेवल है। हाँ, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, सीरियसली मज़ा आ गया इस वाले रूट पे आके। मेरा तो मूड कर रहा है कि एक आध हफ़्ता यहीं पर बिताया जाए, पूरा घूमा जाए पेचुका को, जितने भी छोटे छोटे विलेजेस हैं। हम पहुँच चुके हैं गैलिंग, GALLING। सो गाइस, राइट नाउ हम जिस जगह पहुंचे हैं ना, ये है मेचुका बस्ती, और आप लैंडस्केप देख सकते हैं मेरे पीछे, क्या ज़बरदस्त लैंडस्केप है। मुझे तो यार मेचुका में आके ना भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं कि दिल बाग बाग हो गया। ओई जी बोलती हैं, क्या बोलती है एक मिनट बताते हैं, ओई जी बोलती है, ओई जी क्या बोलते हैं, लिटिल स्विट्जरलैंड, लिटिल स्विट्जरलैंड। जब इंदिरा गांधी मेचुका में आए थे ना, तब उन्होंने मेचुका को नाम दिया लिटिल स्विट्जरलैंड, 1972 में। ओके, सीरियसली देखा जाए तो स्विट्जरलैंड आई थिंक कि अपने इंडिया के सामने कुछ नहीं होगा, हालांकि रोड्स इधर इतने अच्छे है नहीं, लेकिन भाई जो ब्यूटी, जो कल्चर, जो लोग हैं यहाँ के, जो डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है, वो आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है ना कि आपको बहुत वैरायटी ऑफ लैंडस्केप्स, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पीछे आप देख सकते हैं मेचुका टाउन है पूरा, और जहाँ हम खड़े हैं ये है मेचुका बस्ती, कम्प्लीटली नेचुरल ब्यूटी प्लेस। यस, द लैंडस्केप इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये सुबह से इन्होंने ना कम से कम 1000 फोटो खींच ली होंगी है ना, कम से कम 1000 फोटो खींची होंगी ना पूरा मेमोरी फुल हो गया हमारा मेचुका है, हमारा मेचुका ही ऐसे है कि जितना भी फोटो खींचो जी नहीं पड़ता, क्योंकि जिस भी जगह में ना, हाँ, मेचुका का हर एक कोना अपना सुंदर था बनाए हुए है। कभी कभी प्रीति जिंटा जैसे भी देख, अच्छा कभी कभी प्रीति जिंटा जी, आपका भाई पहुंच चुका है अपने होम स्टे में। तो हालत आप देख पा रहे होंगे कि भाई साहब क्या हालत बन गई आपके भाई की, इतनी बारिश में राइड कर करके। सुबह तो भाई पूरा भीग गया था, जितनी भी जैकेट पैंट वगैरह जितने भी कपड़े थे मेरे सारे भीग गए थे, अब थोड़े से हालांकि सूख गए हैं। और सुबह कल मुझे बहुत जल्दी निकलना है यहाँ से, क्योंकि भाई साहब मुझे पहुँचना है पासी घाट, और कल का जो एडवेंचर होने वाला है, जो जर्नी होने वाली है, बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है, क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश हो रही है, और बता रहे कि भाई रूट की तो बैंड बजी पड़ी है, तो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है मेरे लिए। लेकिन भाई हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, पिछले से पिछले व्लॉग में भी शायद मैंने बोला था, तो कोशिश करता रहेगा आपका भाई और पहुँचेगा सिरा पासी घाट। तो चलो फटाफट आज का वीडियो एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है भाई सब करके जाना, हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि भाई उससे तो अपना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा ना। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बाकी आपकी मर्जी, जो करना हो कर देना, ठीक है। तो अब करते हैं टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Pongo en la reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se dosis.